हेलो, वेलकम माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डुप्लीकेट एंट्री के लिए है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा जो तैयार कर रखा है, मैं आज आपको डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करने के दो तरीके बताऊँगा। एक तरीका सभी जानते हैं और दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊँगा कैसे हम हटाएँगे। ओके, तो जैसे इस तरीके का अगर मैंने डेटा बना के रखा, आप देख रहे हैं कुछ डेटा इसमें सेम सेम है, एम्प्लॉय कोड सहित और प्लेस सहित। जैसे अजय का डेटा सेम है, देखिए यहाँ भी अजय है, यहाँ भी अजय है। ओके, देन देखिए श्याम का भी डेटा सेम है, श्याम यहाँ भी है, श्याम यहाँ भी है। ओके, फिर इसके बाद ऐसे इस तरीके से कई डेटा हैं जो सेम है, सेम सेम। ओके, तो अगर मुझे यहाँ से सारे चीज़ों को हटाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नॉर्मल में हम जैसे इसको सेलेक्ट किए, देन डाटा मेनू में जाके डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे डुप्लीकेट पे हाँ हमें पूछता है कि आपको क्या हटाना है, मतलब नेम में कि प्लेस में कि एम्प्लॉय कोड में। ओके, तो हम जो भी हमें चेकबॉक्स वही लेते हैं जो हमें हटाना होता है, अदरवाइज हम अनचेक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से हटाया मैंने, तो आप देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ नेम वाले में चाहता हूँ, मैं ओके करूँगा तो यहाँ दिखाएगा 3 डुप्लीकेट्स। ओके, ये देखिए 3 डुप्लीकेट दिखा रहा है, मतलब 3 डुप्लीकेट इसमें डेटा थे जो हट गए। ओके, बट अगर इसी चीज़ को मुझे अगर उससे करना हो, शॉर्टकट की से करना है, तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसी पे है। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ओके, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट ए एम प्रेस करेंगे, अल्ट ए एम। ओके, तो आप देखिए ऑप्शन आ गया। ओके, ऑप्शन आया अल्ट ए एम के साथ। अब मुझे इसमें नेम का हटाना है, तो मैंने इस पर चेक किया और जो चाहे इसमें से हटाना उसको चेक किया। ओके, और फिर यहाँ मैं ओके करूँगा, मेरे पास 13 डेटा है टोटल। ओके, तो ओके किया मैंने, सेम वही मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 9 यूनिक नेम्स वैल्यू रिमेन। ओके, अब मैं इसको ओके कर दूंगा तो 13 में से 10 डेटा यूनिक हैं और बाकी जो डुप्लीकेट थे वो हट गए। तो इस तरीके से अगर हमें डुप्लीकेट एंट्री हटानी है तो हम डुप्लीकेट एंट्री को इस तरीके से हटा सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, एक फार्मूला भी, एक वीडियो मैंने फार्मूला से भी बताया था कि फार्मूला से अगर हमें डुप्लीकेट एंट्री हटानी है तो हम कैसे हटाएंगे। तो 3 तरीके अपने पास है, बाय फार्मूला भी है और क्या कहते हैं शॉर्टकट भी है और डाटा मेनू में जा करके रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से भी है। तो हम इस तरीके से अगर हमें हटाना है तो हम डुप्लीकेट एंट्री को हटा सकते हैं। जहाँ हमारे पास कम टाइम है, कम टाइम को देखते हुए अगर लंबे डेटा हैं तो हम लंबे डेटा पे शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डेटा कम है और समय ज़्यादा है आपके पास तो आप फार्मूला भी कर सकते हैं और रिमूव डुप्लीकेट का जो डाटा मेनू से ऑप्शन है उससे भी हम कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।